अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस, कहां कहां पर इसका यूज होता है जरा देखिए। सबसे पहला यूज इसका होता है ऑब्वियस सी बात है स्पेक्स में, जो चश्मे पहनते हैं, और ये यूज किया जाता है मायोपिया के लिए। मायोपिया में क्या होता है कि आपको पास की चीज, सॉरी दूर की चीज सही से नजर नहीं आती है। पास की बुक्स वगैरह तो आप बड़े आराम से पढ़ लेते हो, लेकिन दूर की चीज आपको नजर नहीं आती है, तो उस केस में यूज होता है आपका क्या, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये डिफेक्ट ऑफ आई को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जो हम अपने ग्लासेस वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, कॉनकेव लेंस इज यूज एज आई लेंस इन गैलिको टेलीस्कोप, तो आई लेंस के लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोप वगैरह में। ठीक है, इसके बाद कॉनकेव लेंस आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद कॉनकेव लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइंड करके यूज किया जाता है। अभी पावर वाला आगे टॉपिक आएगा, उसमें आप ये पढ़ोगे। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद कॉनकेव लेंस इज यूज इन वाइड एंगल्स स्पाइल होल इन डोर्स। डोर्स में आप देखते हो छोटा सा होल होता है, लेकिन उसमें देखते हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ा एरिया बाहर का नजर आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी आपने दो इमेजेस देखे, उन दोनों में ही इमेज जो बन रही थी वो कैसी बनी थी, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वहां पर कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप वाइड एंगल को देख पाते हो, क्योंकि रेज क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्ज होने की वजह से आप लार्ज एरिया बाहर देख पाते हो। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये है आपके यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद ये नोट कीजिए।